नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका शनिवार के दिन कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमेशा शनि उन पर भारी रहता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो आपको शनि को शांत करने के लिए कुछ उपाय करने के साथ विशेष पूजन विधि से शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। शनिवार की पूजन विधि आपको बता देते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर और साफ कपड़े पहनकर पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करें। लोहे से बनी शनि देवता की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर मूर्ति को चावलों से बनाएं और 24 दल के कमल पर स्थापित करें। इसके बाद काले तिल, फूल, धूप, काला वस्त्र व तेल आदि से पूजा करें। पूजन के दौरान शनि के 10 नामों का उच्चारण करें। कोणास्थ, कृष्ण, पीपला, सौरी, यम, पिंगलू, रोद्रतुकु और ब्रह्मु, मंद, शनिचर। पूजन के बाद पीपल के वृक्ष के तने पर सूत के धागे से 7 परिक्रमा भी करें। इसके बाद शनिदेव का मंत्र पढ़ते हुए प्रार्थना करें। शनिवार को ये काम ना करें। अगर आपको शनि की विशेष कृपा पानी है तो आपको शनिवार पर कुछ काम करने से बचना चाहिए। जैसे अगर आप नाखून या बाल काटते हैं तो शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। इस दिन आपको जितना हो सके उतना दान करना चाहिए। आप मंदिर के अलावा किसी जरूरतमंद व्यक्ति आदि को जरूरत का सामान दान कर सकते हैं। शनिदेव को जानवरों से विशेष लगाव है। शनि को खुश रखने के लिए आपको जानवर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। साथ ही कुत्तों, गाय, बकरी आदि पशु पक्षियों को रोटी खिलानी चाहिए। शनिवार को लोहे को घर में लाना वर्जित माना जाता है। अगर आप घर में लाए लोहे का सामान लाने का मन बना रहे हैं तो आपको इससे बचना चाहिए। रही बात मंत्र की, तो मंत्र हमारे जो टाइटल के नीचे है वहाँ पर आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से पढ़कर जान सकते हैं कि क्या मंत्र करना चाहिए। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।